Good morning, student. My name is Roshni Dekate, and today I am going to teach you 6th class mathematics, the chapter number 9, algebraic equation. So, in the previous lecture, we will discuss the activity on the class to explore the properties of equation and starting exercise 9.1 in the question number 1st. We will discuss in the previous lecture, okay? So, now in this lecture, we will discuss this एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड. मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड में से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगी और बाकी का आपको एज अ होमवर्क घर पे आपको सॉल्व करना है. ठीक है स्टूडेंट. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. डिटरमाइन वेदर वाई इज इक्वल टू 12 इज अ सोल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन. हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है. y इज इक्वल टू क्या है 12, और हमें कुछ इक्वेशन दिए हुए है जिसमें y की वैल्यू पुट अप करनी है और हमें आंसर निकालना है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन में है 7y इज इक्वल टू 82. 7y is equal to 82. So 7y, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 12 दी हुई है. So 7 multiply 12 is equal to 82. So left hand side पे क्या आएगा, 12 multiply 7 करना है. ये आपको घर पे multiply करके देखना है और कितना आंसर आता है मुझे पता है. ठीक है. So कितना आएगा यहाँ पे 84 और यहाँ पे 82. तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे कितना आया 84, हाँ राइट हैंड साइड में कितना है 82. सो बोथ आर इक्वल है क्या, नहीं है. बोथ 84 और 82 दोनों इक्वल है क्या, नहीं है. तो हम कौन सा सिंबल या फिर साइन यूज करेंगे, नॉट इक्वल का. ठीक है. सो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में से फर्स्ट प्रॉब्लम, और बाकी के आपको बी सी और डी आपको घर में सॉल्व करके देखना है खुद से. अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में से. क्वेश्चन नंबर 3 में से फर्स्ट प्रॉब्लम. ओके. सो डिटरमाइन वेदर एक्स इज इक्वल टू ए इज अ सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन. सो इसमें x की वैल्यू कितनी दी हुई है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू 8 दी हुई है जो कि हमें इक्वेशन में पुट अप करनी है. सो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 35 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना है, x प्लस 3 बाय 4. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 डिवाइड बाय 4 इसको कुछ करना नहीं है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें x की वैल्यू पुट अप करनी है. तो 35 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 3 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम 4 से ही यहाँ पे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे. तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को ऐड किया और 4 डिवाइड में लिया दोनों के. ठीक है. तो इसका आंसर कितना आएगा, 32 प्लस 3 डिवाइड बाय 4. तो 32 प्लस 3 कितना होता है, 35 डिवाइड बाय 4. तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना है 35 डिवाइड बाय 4 एंड राइट साइड में कितना आंसर है हमारा 35 डिवाइड बाय 4. सो बोथ द साइड्स आर सेम. सो हम किसका साइन देंगे, इक्वल्स का साइन देंगे. ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में से बी सी और डी आपको घर में सॉल्व करके देना है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी कॉपीज चेक करूंगी. सो आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको घर में सॉल्व करके देखना है. ठीक है स्टूडेंट.